एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए रीजनिंग की, स्पेशली पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट की एक बुक है, उसका रिव्यू करने वाली हूँ। आपको मैं ये भी बताऊँगी कि इस बुक में किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्या ये बुक आपको परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे एस्पायरेंट्स मुझे कॉमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर पूछते रहते हैं कि कोई बुक्स बताइए जिसमें अच्छे से सब कुछ दे रखा हो। तो जो रीजनिंग है उसमें पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको किसी से आगे और पीछे कर सकती है एग्ज़ाम में। तो पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट्स के जो नए नए क्वेश्चंस आते हैं SBI PO में स्पेशली, और IBPS PO के जो मेंस होता है इन दोनों का, उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये बुक है ऑलिव बोर्ड की पज़ल मैनिया, इसमें मैं आपको रिव्यू करूँगी और इस बुक को मैं गिव अवे भी करूँगी किसी एक एस्पायरेंट को। तो प्लीज़ आप इसे एंड तक ज़रूर देखिए, लास्ट में मैं आपको उसकी प्रोसीजर बताऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं इस बुक के रिव्यू से। तो ये ऑलिव बोर्ड की पज़ल मेनिया बुक है स्पेशली कंप्लीट पज़ल और सेटिंग अरेंजमेंट के लिए, प्रीलिम्स और मेंस, बाकी सारी एग्ज़ाम्स में काम आ सकती है, SBI, IBPS, RBI, ग्रेड बी, LIC, AA। तो इस बुक का मटीरियल, जो आउटर कवर और इसकी पेज क्वालिटी है, वो तो मुझे अच्छी लगी। अब अंदर देखते हैं इसका कंटेंट कैसा है। तो इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें सेक्शन 1 बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिक अरेंजमेंट्स है, और सेक्शन 2 एडवांस लेवल है जो न्यू टाइप पे बेस्ड है। सेक्शन 1 में इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, पहला है कंपैरिजन, दूसरा है बेसिक अरेंजमेंट्स, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ओपन फिगर है, जैसे लीनियर सेटिंग, जो लीनियर आता है सिंगल रो वाला अरेंजमेंट, और लीनियर डबल रो वाला अरेंजमेंट भी इसमें है। उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें क्लोज्ड फिगर अरेंजमेंट है जिसमें सर्कुलर है, अरेंजमेंट इन 2D शेप्स जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, और एक कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है जैसे एक सर्कल के बाहर एक सर्कल, एक रेक्टेंगल के बाहर एक रेक्टेंगल, उस टाइप का है। उसके बाद चैप्टर 3 है फ्लोर्स एंड स्टेक्स, चैप्टर 4 है डेट्स बेस्ड, चैप्टर 5 है ईयर्स बेस्ड जो बर्थडे टाइप होता है, और चैप्टर 6 है ग्रिड बेस्ड। ये सारे बेसिक है जो प्रीलिम्स में आते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 2 एडवांस लेवल पे। तो इसमें चैप्टर 7 है सर्टेन नंबर ऑफ एंटिटीज़, चैप्टर 8 है अदर फॉर्म ऑफ कंपैरिजन बेस्ड, चैप्टर 9 में पज़ल विद डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो स्पेशली मेंस में आता है, चैप्टर 10 में फ्लोर्स है विद फ्लैट्स, देन 11 में अरेंजमेंट विद लेंथ पैरामीटर्स, देन अरेंजमेंट विद शिफ्टिंग, बजट अलोकेशन, कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट है, पज़ल बेस्ड डेटा सफिशिएंसी जो एग्ज़ाम्स में आजकल आती है, और कुछ हाई लेवल के मिक्स पज़ल है। अब एक बार हम अंदर देख लेते हैं कि किस टाइप से यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक अरेंजमेंट में जो कंपैरिजन है, तो पहले तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो इसमें दे रखा है। उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं अलग अलग टाइप से, जैसे टाइप 1 में डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट एनी वेरिएबल, उसके बाद टाइप 2 में डायरेक्ट कंपैरिजन न्यूमेरिकल पैरामीटर्स के साथ है, टाइप 3 में कंपैरिजन विद 1 और मोर वेरिएबल है, तो इस टाइप से उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। टाइप 4 में कंपैरिजन विद रैंक वेरिएबल दिया हुआ है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी आंसर की दे रखी है, और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है, जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से दो दो तीन तीन क्वेश्चंस पहले तो हर टाइप के दिए हुए हैं, और उसके बाद उनके सॉल्व एग्जांपल है। जैसे हम यहाँ पर अगर आए बेसिक अरेंजमेंट लीनियर सिंगल रो अरेंजमेंट, तो जैसे लीनियर अरेंजमेंट में पहले सबसे पहले दिया है ऑल फेसिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर फेसिंग इन बोथ डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर मोर देन वन वेरिएबल के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसमें हर टाइप से दे रखे हैं क्वेश्चंस, उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो इस टाइप से इसमें हर सेक्शन में अगर आप देखें, जैसे लीनियर डबल रो अरेंजमेंट, तो इसमें वैसे उसका पहले क्या, उसको कैसे करना है उसका अप्रोच भी दिया हुआ है, उसके की पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसके सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये इसी टाइप से इसमें पूरा दे रखा है। तो अगर आप देखें जैसे सर्क्यूलर है, तो सर्क्यूलर में सिंगल साइड फेसिंग वाले, डबल साइड फेसिंग वाले, अलग बोथ साइड फेसिंग वाले, हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, और सबके कुछ कुछ एग्जांपल्स भी है। तो ये चीज़ इसमें अच्छी है कि आपको जैसे ये स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हर टाइप के, हर जो भी टाइप होता है, जो भी मतलब एग्ज़ाम में आता है, मान लीजिए कुछ ऐसा जो रेयर भी है, तो वो भी इस बुक में मुझे मिला, जो हर एग्ज़ाम में नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता है, वो एडवांस लेवल में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे
ये एज बेस्ड वाले क्वेश्चंस जो काफ़ी आते रहते हैं, एक ग्रिड वाला क्वेश्चंस आता रहता है, तो वो इसमें दिया हुआ है। और जो डेटा सफिशिएंसी है वो भी इसमें अच्छे से दी हुई है, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम में आती रहती है। अब देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें दे रखे हैं, केस वाइज इसमें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो ये बुक मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, आप एक बार इस बुक से भी लगा सकते हैं, आप और भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में नया दिख जाता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन इसमें हर एक टाइप के दो से तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं और उसके सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं, तो इसीलिए ये बुक मुझे काफ़ी सही लगी। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके बाद भी आप और मॉक टेस्ट दे सकते हैं अलग अलग जगह से, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रीजनिंग की पज़ल के लिए कोई बुक चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है, ये आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ वीडियोस देख के क्लियर करना पड़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। तो गिव अवे के लिए आपको कमेंट्स में ये लिखना है कि क्यों इस बुक की आपको सच में नीड है, क्यों आपको ये बुक चाहिए, और उसमें से मैं रैंडमली कोई एक कमेंट चूज़ करूँगी और आपको ये बुक मैं सेंड करूँगी। तो अगर आप और भी इस तरीके की बुक्स के रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।